इमेजिन कीजिए, आप अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जाते हो और वहां पे आपका एग्जामिनर आपसे ये बोलता है कि रिमूव योर ब्रा, अदरवाइज डू नॉट सिट इन द एग्जाम और राइट इन द एग्जाम, मतलब कि आप अपने एग्जाम में ना बैठ सकते हो ना अपना एग्जाम दे सकते हो। ऐसा ही कुछ हुआ केरला के अंदर, जहाँ पे गर्ल वाज फोर्स टू रिमूव देयर ब्रा, अदरवाइज डू नॉट सिट इन देयर मेडिकल एग्जाम ऑफ नीट। सो आफ्टर एग्जाम वन ऑफ द पेरेंट्स फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट द एग्जामिनर्स, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी अंडर सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पैनल कोड एंड 509 ऑफ इंडियन पैनल कोड। सो सेक्शन 354 के अंदर ये बता रखे कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से किसी लड़की को फोर्स करता है टू आउटरेज हर मॉडेस्टी या फिर किसी तरीके से मजबूर करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसके हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और सेक्शन 509 ये बोलता है कि किसी भी वुमेन को, जरूरी नहीं है कि आप असॉल्ट करें तो ही वो आप क्रिमिनल कहलाए जाओगे या ये क्रिमिनल एक्ट कहलाया जाएगा, या आप उसे टच करते हो तो ही क्रिमिनल एक्ट कहलाया जाएगा। अगर आप उसे कुछ जेस्चर दिखाते हो या उसकी कोई इंसल्ट करते हो या उसे गालियां देते हो या कोई ऑब्सीन एक्टिविटी या ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो वो भी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर आएंगी और वो भी क्रिमिनल एक्ट कहलाया जाएगा। तो ऐसी लीगल टिप्स और सारे सेक्शन जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।